हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरसी एजुकेशन हब बांसू। तो देखिए, कंटिन्यू करते हैं। इन द लास्ट वीडियो वी वर डिस्कस अबाउट द प्रोटिस्टा। ओके, और प्रोटिस्टा में हम क्रैसोफाइट्स और डिनोप्लाजिलेट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इसमें अनदर टू क्लासेस के बारे में। वन इज यूग्लेनॉइड्स, अनदर इज स्लाइम मोल्ड। देखिए, प्रोटोजोआ इसमें पॉसिबल नहीं है बेटा, क्योंकि इसकी दो तीन खुद की टाइप्स हैं। दैट्स व्हाई उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। इज दैट क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोटिस्टा, इन प्रोटिस्टा कॉमन फीचर्स आई होप आपको रिमाइंड होंगे, ठीक है, कि वो फ्रेश वाटर है या फिर मरीन वाटर है। इसके अलावा हमने इसका फोटोसिंथेटिक मोड भी देखा था। इसके अलावा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी हमने बात की थी। अब इसकी जो थर्ड क्लास है, सब ग्रुप है, वो आता है यूग्लेनॉइड्स। ओके, नाम से पता लग रहा है यूग्लेनॉइड्स में यूग्लेना नाम का एक ऑर्गेनिज्म है। इज दैट क्लियर? कुछ जनरल फीचर्स इसके फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेश वाटर होता है इसका असली, ये आपने लास्ट से देख लिया था कि जैसे हमने क्रैसोफाइट्स की बात की थी तो वो फ्रेश वाटर मरीन वाटर दोनों थे। डिनोप्लाजिलेट्स वो सिर्फ मरीन वाटर थे, वैसे यूग्लेनॉइड्स सिर्फ फ्रेश वाटर है, बट वो स्टैग्नेंट वाटर में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। स्टैग्नेंट वाटर मीन्स विच इज नॉट फ्लोइंग कंटिन्यूअसली, जो एक ही जगह पे स्टे करता है। एग्जैक्टली दैट इज नोन एज स्टैग्नेंट वाटर। अनदर इज नो सैल्मोन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पीछे वाली दो क्लास थी हमने डिस्कस किया था, एक में सिलिका एम्बेडेड सैल्मोन होती है, दूसरे में क्या है, सेलुलोज प्लेट्स की सैल्मोन होती है। बट यहाँ पे सेल्मोन नहीं होती। ये कहते हैं क्यों? बिकॉज इसको ना हार्डनेस की जरूरत नहीं है, इसको स्टिफ नहीं होना है, इट वॉन्ट्स टू बी फ्लेक्सीबल। ओके, इसको फ्लेक्सीबल होना है, इसको मोशन करना है, इसको जल्द घूमना है। दैट्स व्हाई क्या होता है, तो फिर इसमें सेल्मोन नहीं होता तो क्या होता है, इसमें एक प्रोटीन रिच लेयर होती है, यानी एक कवरिंग होती है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड दैट इज नोन एज पेलिकल। इज दैट क्लियर बेटा? और इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये फ्लेक्सीबिलिटी प्रोवाइड करती है। ओके, यानी अगर आपसे पूछा जाए पेक्युलर फीचर्स की बात कर सकते हैं हम, तो दिस वन इज द पेक्युलर फीचर कि यूग्लेनॉइड्स जो होते हैं उसमें प्रोटीन रिच लेयर होती है, दैट इज नोन एज पेलिकल। या आप डायरेक्टली कह सकते हो दैट यूग्लेनॉइड्स हैविंग ए पेलिकल। ओके, पेलिकल, पी फॉर पेलिकल, पी फॉर प्रोटीन, प्रोटीन की कंसिस्ट होती है। इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, वो उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। ओके, सेम है फ्लैजिलाइज में भी टू होते हैं बट नॉट ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल, बट कैसा होते हैं, वन इज शॉर्ट एंड वन इज लॉन्ग। फोटोसिंथेटिक होते हैं, बट एक और सेपरेट फीचर भी है, फोटोसिंथेटिक तो होते हैं बट कब, जब सनलाइट प्रेजेंट है, मतलब अगर सन है तो उसको यूटिलाइज करके क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। बट अगर सनलाइट नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, व्हाट दे कैन डू, दैट दे एक्ट एज प्रीडेटर्स। ओके, प्रीडेटर्स क्या होते हैं, जो प्रे प्रीडेटर्स आपने सुना होगा, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स का अपना फूड बना लेते हैं, तो दैट दे एक्ट एज प्रीडेटर्स और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ जाते हैं। पिगमेंट्स, अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये आप ध्यान रखेंगे, इसमें जो पिगमेंट्स है, जैसे प्लांट्स के सिमिलर पिगमेंट इसमें माना जाता है। प्लांट्स और क्या मानते हैं, स्पेशली क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल भी उसके अलावा तो कैरोटीनॉइड्स जैकोफिल भी होते हैं, बट मेन पिगमेंट्स ही होते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो पिगमेंट्स प्लांट्स में होते हैं, ऐसे ही कुछ पिगमेंट्स यूग्लेनॉइड्स में भी देखे गए हैं। सो दे हैविंग पिगमेंट्स विच आर सिमिलर टू द प्लांट्स। इज दैट क्लियर? तो ये यूग्लेनॉइड के थे, और इनमें इंपॉर्टेंट फीचर आपको एक तो क्या है, प्रोटीन रिच लेयर होती है, दैट इज नोन एज पेलिकल, जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। सेकंड चीज, फोटोसिंथेटिक होते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में, एब्सेंस में क्या करते हैं, प्रीडेटर की तरह एक्ट करते हैं। और लास्ट वन, दैट दे हैविंग पिगमेंट्स विच आर सिमिलर टू द प्लांट्स, विच इसका एग्जाम्पल है यूग्लेना एंड पैराबिशियम। ओके, ये आपको यूग्लेना का एक डायग्राम दिखाया गया, आपको एनसीईआरटी में भी गिवन है, यू हैव टू बी पेटर्न्स एंड लुक फ्रॉम देयर। अब दूसरी क्लास का जाइए बेटा, ये है स्लाइम मोल्ड। ओके, वैसे फोर्थ है प्रोटिस्टा की, क्योंकि इससे पहले हम तीन पढ़ चुके हैं, क्राइसोफाइट्स, डिनोप्लाजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, अब है स्लाइम मोल्ड। ओके, स्लाइम मोल्ड क्या होते हैं, ना तो फोटोसिंथेटिक होते हैं, बट कैसे होते हैं, हाइड्रोट्रॉप्स होते हैं, और हाइड्रोट्रॉप में भी सैप्रोफिटिक मोड है। सैप्रोफिटिक मोड का क्या होता है, दे आर टेकिंग देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। ओके, डेड एंड डिकेइंग मैटर यानी जो भी गली सड़ी चीजें होती है, ट्विग्स है, लीव्स है, ओके, वो गल सड़ जाती है तो उनसे वो अपना फूड लेते हैं। तो डेड एंड डिकेइंग मैटर से वो अपना फूड इंटेक करते हैं। साथ में क्या होता है, देखिए इसकी मेन खास बात क्या है, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो है इसमें, बट साथ में क्या करते हैं, कुछ फेवरेबल कंडीशन, जब इनको सुटेबल कंडीशन मिलती है तो ये एग्रीगेट हो जाते हैं। ठीक है, यानी अपने फ्रेंड्स को बुला के कॉलोनी बना लेते हैं, एग्रीगेट करके कंबाइन करके एक कॉलोनी बना लेते हैं, दैट इज नोन एज प्लाज्मोडियम। अंडरस्टैंड, आपने सुना होगा प्लाज्मोडियम, डिड यू रिमाइंड, प्लाज्मोडियम। ओके, जिसमें आपने मल्टीपल सीजन का एक एग्जाम्पल देखा होगा। तो इसमें यही है कि अंडर सुटेबल कंडीशन, जैसे इसको फेवरेबल या सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, तो ये बहुत सारे फ्रेंड्स एग्रीगेट हो जाते हैं, एग्रीगेट होकर देयर फॉर्मिंग प्लाज्मोडियम। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन खत्म होती है, और कौन सी कंडीशन स्टार्ट होती है, अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या है, विच इज नॉट इन फेवर
ओके, यानी हाई टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर का अमाउंट कम हो गया। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करेंगे, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रूटिंग बॉडीज बना लेते हैं ऐसे, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडीज बना लेते हैं। और यहाँ पे क्या होते हैं स्पोर्स, इनकी टिप्स पे क्या होते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज की टिप्स पे स्पोर्स होते हैं। अब स्पोर्स का काम क्या है, तो आपने पढ़ा होगा स्पोर फॉर्मेशन में, 10th क्लास में भी आपने देखा होगा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स कैसे होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं, ओके, हल्के होते हैं, सो दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इनकी सर्वाइवल कैपेबिलिटी काफी हाई होती है, ओके, सर्वाइव कर सकते हैं काफी ईयर्स तक, ओके। और ये स्पोर्स क्या करते हैं, लाइट वेट में होते हैं, तो क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजीली स्प्रेड हो जाते हैं। जब वो स्प्रेड होंगे तो वहां गिरेंगे, और जैसे उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी दे कैन ग्रो देयर, ओके। तो ये क्या होता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी आप कह सकते हैं एक तरह से, ये सेक्शन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। फ्रूटिंग बॉडीज है, उनके स्पोर्स है, स्पोर्स एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजीली क्या करते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। किसके थ्रू डिस्पर्स हो जाते हैं, एयर करंट के थ्रू, ओके बेटा। तो ये दो क्लासेस थे, यूक्लिडोइड्स एंड स्लाइमोड्स। आई होप एवरीथिंग शुड बी क्लियर टू यू। नोट्स बनाने आपको, प्रोटोजोआ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके, हैव ए गुड डे।